AVIC ने हमें बताया कि हम आपको PMEGP की लोन PMEGP के लिए लोन के लिए हम आपको आपको सपोर्ट देंगे, आप अप्लाई करिए। और एप्लीकेशन तो काफ़ी अच्छी तरह से हुआ, लोगों ने अप्रिशिएट भी बहुत किया कि ऐसा काम करते हैं, इसका इतना एडवांटेज है। फिर हमने सिंडिकेट बैंक में अप्रोच किया और उससे पहला एक खादी के यूनिट पे हमने एक टेलरिंग यूनिट के साथ काम करना शुरू किया, इक्विपमेंट में सब डाले, उनके साथ भी काम करता है करते हैं। अभी तो हम लोग 4-5 यूनिट से के साथ काम करते हैं और लेडीज़ गारमेंट्स में कुर्ताज कुर्तीज करते हैं, जेंट्स करते हैं, जैकेट्स बनाते हैं, काफ़ी सब प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं हम लोग। और हमारे आउटलेट भी अभी धीरे धीरे बढ़ने लगे हैं, हम 3-4 खादी भवन की शॉप्स में भी देते हैं, दूसरी थोड़ी शॉप्स में भी देते हैं, हमारी खुद की भी शॉप है, होलसेल का ऑर्डर्स भी लेते हैं, तो वो धीरे धीरे उसका बढ़ने लगा है। लेकिन सबसे अच्छी बात ये लगती है कि हम क्वालिटी डिज़ाइन खादी में बने कपड़ों की अभी हम इंडिया में प्रमोट कर सकते हैं, कि लोग कहते हैं खादी से कैसे कपड़े बने, तो हम स्मार्टेस्ट और मोस्ट फैशनेबल क्लोथ भी बनाते हैं और बहुत सिंपल भी बनाते हैं। तो PMEGP से हमको ये करने की प्रोत्साहन भी मिला, उसके लिए हमको जो बेसिक जो फंडिंग था वो भी मिला और उससे हमारा बिज़नेस काफ़ी बढ़ा है। और मुझे सेटिस्फेक्शन ये है कि मैं ये हमारे लोग के यहाँ इंडिया के लोगों के लिए, इंडिया के भाई बहनों के लिए मैं कपड़े बनाती हूँ जो उनको अच्छे भी लगते हैं। और इस तरह से खादी का जो बहुत ही डिग्निफाइड फैब्रिक है, उसकी एनवायरमेंटल और सोशल सस्टेनेबिलिटी कोई जवाब ही नहीं उसके लिए, इतना बढ़िया फैब्रिक भी अभी आज के लोगों को पसंद आया, इस तरह से हम बना के बेच सकते हैं।